अब आगे जी यहाँ पर हम लोग छत का दौरा लेने के लिए और साथ में लेना चाह रहे हैं सूप। तो यहाँ पर जो है दिया लगाया जा रहा है, उधर खीर हमारा बन गया। तो सोच तो दीदी खरना तो व्रत हो गया। बार हम अपने घर में अपने बहू को हम बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सारा काम वही संभाल ली, एक बच्चा छोटा बच्चा को रहते हुए छठ के अवसर पर जिस तरह से मेरा हेल्प की है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं सबके बहू को इसी तरह सद्बुद्धि दे और अपने परिवार के लिए इसी तरह समर्पित रहे। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी। स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी आज हो गया छठ का नहाय खाए और नहाय खाए के बाद जो है कल एक खरना और बाकी छठ की जो भी खरीदारी है पूरी हो नहीं सकी थी। तो अब जो भी खरीदारी बची हुई है उस खरीदारी को जा रहे हैं करने, हम और जिया मिल करके जा रहे हैं बाइक पर। देखते हैं जितना सब कुछ आ पाएगा, नहीं तो उसके बाद जो ई रिक्शा है उसी पर लोड कर लेंगे और फिर उसके बाद ही यहाँ पर सारा सामान आ जाएगा। तो चलते हैं। बाकी क्रियांश जो है यहाँ पर लेटा हुआ है और मजे में खेल रहा है ना। खेलो। बाकी वीडियो कंटिन्यू करने से पहले करना चाहेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। 300 के सब्सक्राइबर्स जो है कई दिनों से पेंडिंग है, जल्दी से हमारा जो है 300 के सब्सक्राइबर कम्प्लीट कर दीजिए। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा खासा दुकान जो है रास्ते पर ही लगी है और सब कुछ बहुत आसानी से मिल रहा है। आओ भैया। तो हम आगे हैं कि दुकान यहाँ पर देख रहे हैं छठ करने के लिए बड़ा जैसा टब या कुछ मिल जाए, या बच्चों का जो स्विमिंग पूल टाइप का आता है वो मिल जाए। बाकी देखते हैं मिलता है कि नहीं, कहा तो नहीं मिल जाएगा, देखते हैं कैसा हाइट हो जाएगा। हाइट हो गया और 1.83 मीटर, 1.83 सेंटीमीटर में गोलाई होगा। हम देख रहे हैं जी ये वाला एक टब और कह रहे हैं कि हाँ जो इसका जो लेंथ है अच्छा खासा आ जाएगा, 1.38 मीटर का इसका डायमीटर रहेगा। वैसे ये स्विमिंग पूल है बेबी लोगों के लिए, क्रियांश वैसे जब बड़ा होगा तो यूज कर सकता है। फिलहाल अभी छठ के लिए यूज हो रहा है, माँ के छठ के लिए टब का तो इंतजाम हो गया। अब बारी है बाकी सब खरीदारी करने की। तो हम लोग आ गए हैं एक ड्राई फ्रूट के दुकान पर। इसी दुकान में अक्सर आकर के हम लोग ड्राई फ्रूट लिया करते हैं। यहाँ की एक कहानी भी है कि एक बार हमारा जो है यहाँ पर जितना भी सामान था पैक किया हुआ छूट गया था और हम लोग जैसे ही घर गए फिर पता चला कि हमारा तो सामान इसी दुकान पर रह गया है। फिर हम लोग नेक्स्ट डे आए और देखे कि भाई साहब जो है बाकायदा एकदम जिस तरह से पैक था उसी तरह से पैक करके साइड में रखे हुए थे और ईमानदारी से हमें वह सब कुछ दे दिया। तो अच्छा लगा था जी। तो यही इनकी जो ईमानदारी जो थी यही हमें बार बार जो है इस दुकान तक खींच लाती है। यहाँ ले रहे हैं जो खीर वाला चावल और साथ में ले रहे हैं गुड़। सारी खरीदारी तो हो गई थी और जिया आ गई है कॉस्मेटिक की दुकान। यहाँ से जो है जिया को चूड़ी लेना था अपने लिए और माँ के लिए। सबसे अधिक समय जो शॉपिंग करते टाइम लगता है जी वह लगता है किसी कॉस्मेटिक्स के दुकान पर। अगर आप एक पति हैं और आप अपनी पत्नी महारानी के साथ आए हुए हैं तो आप आराम से बैठ जाया करिए साइड में, क्योंकि यहाँ पर जो है धरफड़ करने का कोई भी बात नहीं है, क्योंकि वो जो है सामान बहुत सारा मंगवाएंगी, उनमें से कोई एक पसंद आएगा और आप आराम से बैठे रहिए। जब उन्हें पसंद आ जाएगा तब उसके बाद जो है कहेगी हाँ पति देव बिल थमा दीजिए, तो उसके बाद जो है बिल पे कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर सामान रखने के लिए जगह की कमी हो गई थी झोला में, कल की जरूरत पड़ता ना दिस दिया ले लिए, आज तो काम चल जाता लेकिन कल जरूरत पड़ता। रख लो इसी में सारा। अच्छा इसको भी रख लेगी टब को भी इसी में। वाह जिया यहाँ पर ले रही थी नारियल, जो कि बिना छिला हुआ रहेगा, इसके अलावा फल भी देख लीजिए, फल होगा तो फल भी लेगी। अब आ गए जी यहाँ पर हम लोग छठ का दौरा लेने के लिए और साथ में लेना चाह रहे हैं सूप। अभी 150 से 200 आ गया 50%, 5 मिनट में महंगाई बढ़ता है वो बढ़ रहा जिया वहाँ पर गई हुई थी सामान लेने के लिए और यहाँ पर हम जो है जिया का इंतजार कर रहे हैं। जो बड़ा जैसा दौरा है इसको हम संभाल करके रखे हुए हैं या थोड़ा सा भारी है इसलिए इसको लेकर के जो है थोड़ा यात्रा करना मुश्किल था वहाँ तक। तो जिया आ गई है तो ले ली चौरठ, तो चौरठ हम लोग यहीं से ले ली है और बाकी यहाँ जो है संभालो अब। इसी झोला में रख दो, चेन खोलो इसका। अरे आराम से जब यहाँ आराम से है तो दिक्कत क्या है।
परेशान कहा कर रहे हैं, रास्ता भूखा के आए हैं। हम काहे ले भूखा आएंगे? एक तो काम को दोनों का खर्चा बचा रहे हैं, ऊपर से हम ना के टोटो लेने के लिए। लगभग सारे सामान की जी हमारी हो गई है खरीदारी, बस कुछ कुछ सामान बचा हुआ है, अब वो कल आएगा। बिल्कुल देख ही रहे हैं कि किस तरह से हम लोग सामान को कैरी किए हुए हैं। तो इस सामान को जो है लेकर के चढ़ना उतरना खरीदना या पॉसिबल अभी नहीं है, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम तो कर लेते, बेचारी जिया जो है हल्की फुल्की कहाँ से कर पाएगी। ठीक है तो चलते हैं यहाँ से। तो आराम से तुम बैठी हुई है, ऊपर से हम रखे हैं है ना, तो तुम इसको लेकर के थोड़ी बैठी है। तो वैसा करते हैं जी, आप चलते हैं और जो भी सामान होगा बाकी आप कल ले लेंगे है ना। तो फाइनली जी घर पहुंच गए हैं और सारा सामान जो है लगभग आ चुका है, और जो भी सामान अब बचा हुआ है दीदी अब वो कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है कैरी करना बड़ा मुश्किल हो गया था। एक दौरा पकड़ी हुई थी जिया, उसी दौरा में सब सामान था और आधा सामान तो उसको आगे टांग के रखे थे। अच्छा पोता किया है, पोता अभी सोया हुआ है, पूरा बाल नोच करके रख दिया। एक बार तो पूरा एकदम सुबह 9 बजे चले जाएंगे। देख सकते हैं हमारी क्रियांश को जो कि बहुत शैतानी कर रहा है, अब चुप हो गया, जब कैमरा ऑन करेंगे तो चुप हो जाएगा। क्रियांश पैर दबा दो बेटा, बहुत थक गए हैं। दबा दो बेटा पैर। The next day. जिया जो है अब अपना नहाने की तैयारी कर रही है, हम नहा करके एकदम तैयार हो चुके हैं और अब जा रहे हैं यहाँ से मिल। और मिल क्यों जा रहे हैं? मिल जा रहे हैं जी, जो गेहूँ सुखाया गया था आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, उस गेहूँ का जो है आटा बनाना है और उसी आटे से जो है छठ का जो है प्रसाद बनेगा, पकवान बनेगा। जिया जो है इस कन्फ्यूजन में कि कौन सा कपड़ा पहना जाए, और यह कन्फ्यूजन जो है हर समय होता है, हमेशा रहता है, कोई सा भी पहन लो, हरा नीला पीला कुछ भी चलेगा। तो हम लोग चल रहे हैं जी छत पर, गेहूँ जो है ऊपर ही है और यहाँ झोला ले लिया है हमने, और यहाँ जो छठ है इस समय कुछ खरीदा हो या नहीं खरीदा हो झोला बहुत खरीदा है इस बार हमने। इसको डाल दो, इसी में डाल दो, ऐसे करके बांध के डाल दो, गिर ना जाए। तो पहुँच गए थी मिल के पास, अंदर जो मिल है वहाँ पर दे दिया है हमने और कहा है कि उन्होंने अब 6 बजे आइए, 3 घंटे का समय लिया। हमने कहा कि थोड़ा जल्दी नहीं हो जाएगा? करे नहीं नहीं देखिए पहले से 14-15 आदमी का है तो थोड़ा तो समय लगेगा। क्या चलिए कोई बात नहीं, आते हैं फिर। अभी शाम के 4 बज रहे हैं, तभी खरना की हो रही है तैयारी, तो खरना का आज बनेगा प्रसाद, तो उसके लिए चलते हैं। डैडी उधर गैस चूल्हा वगैरह सब कुछ लगा रहे हैं। इधर देख सकते हैं आप पतिदेव को, क्या चल रहा है पतिदेव? एडिटिंग चल रहा है, सोच रहे हैं कि ये ब्लॉग जो है समय पर डल जाए, जिस दिन जो फेस्टिवल हो उस दिन वही चीज डल जाए। इतने सारे मेहनत करने पड़ते हैं, और आप लोग प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। इस फेस्टिवल के बीच में, काम के बीच में एडिटिंग करके वीडियो डालना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को वीडियो मिल जाए। तो जी यहाँ पर चूल्हा तैयार हो चुका है और अब जो है चूल्हा को पूजा जा रहा है, इसके बाद जो है इसी पर जो है खरना का प्रसाद जो है इसी पर पकेगा। तो यहाँ पे हमारा दूध उबल रहा है और साथ में ये चावल, इसको चुन लेते हैं, इसमें कुछ भी रहना नहीं चाहिए, तो अच्छे से इसको चुन लेते हैं। और इधर है ड्राई फ्रूट, इसको भी काट लेते हैं। और इधर देख सकते हैं हमारा दूध उबल चुका है, इसको थोड़ा सा दूध को जलने के लिए छोड़ दिया ताकि खीर और भी अच्छा बने। लगभग सारी तैयारी तो हो चुकी है, बस ये दिया को धुल रही है। कितना दिया? 5 दिया? 7 दिया? 7 दिया, एक हाथी आप ले। उसके बाद जो है आपको आटा भी जा करके लाना है, फिर आटा जब लेंगे उसी के बाद रोटी बनेगा और फिर जो है प्रसाद चढ़ेगा। पूजा का तैयारी कर लेते हैं, उधर खीर बना लिए हम। अच्छा खीर बन गया उधर, चलो बढ़िया है। और रोटी में घी लगा के चढ़ाया जाता है, घी लगा के चढ़ाया जाता है, कुछ रोटी अलग से रख दिया जाएगा? नहीं, जो प्रसाद चढ़ेगा ना उसमें सारे में घी लग के ही चढ़ेगा। ठीक है, सारा घी लग के ही चढ़ेगा। और यहाँ पर तो ज्यादा लोग है नहीं, वरना गांव में तो बहुत लोग रहता है, बहुत ज्यादा रोटी बनता है वहाँ पर। हमको याद रहा ही नहीं, देखिए घी तो मेरे पास है, झूठे मंगाए और फिर से खरीद ली तुमने। यहाँ पर जो है दिया लगाया जा रहा है, उधर खीर हमारा बन गया, तो सोचे कि आप जब तक लाइएगा, यहाँ पर बना हुआ है, जब तक आप लाइएगा आटा मिल से, पूजा का भी तैयारी कर लेते।
चलो ठीक है तो हम जाए। ये था गेहूँ दिए थे यही वाला था धोती मन है वो मिल से आटा तो लेते आए जल्दी से रोटी बनाया जाए जी।